तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर Thank you.
Thank you.
शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आप
शांति कल्याणकारी शिव बाबा ने अपने बच्चों से मिलन मनाने का शुभ मुहूर्त तय कर दिया है। कल्याणकारी संगम युग सारे कल्प का अमृत वेला है, जब बाबा अपने बच्चों से मिलन मनाने आते हैं। ब्रह्मातन का आधार लेकर अपने कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चों से सीख सीख कर मिलने आते हैं और उन्हें पतित से पावन बनाकर दिव्य ज्ञान गुण शक्तियों से सजाकर अपने साथ परम धाम घर ले जाते हैं। मैं आत्मा प्रतिदिन अमृत वेले स्व कल्याण तथा विश्व कल्याण के निमित्त परम शक्ति शिव बाबा की याद में लगन में मगन होकर बैठती हूं। देही अभिमानी बन विदेही शिव बाबा को याद करती हूं। मर्जीवा बन स्वयं को परमात्मा द्वारा रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करती हूं। अपने अस्तित्व को भूलकर शिवमय शक्ति बन जाती हूं। शिव बाबा ही सारी सृष्टि को तमोप्रधान से सतोप्रधान सुख समृद्धि संपन्न बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को
समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। वे व्यर्थ संग, व्यर्थ समय तथा व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। उनका रिश्ता पुराने संस्कारों व पुराने संसार से नहीं रहता। जैसे पवित्रता के सागर शिव बाबा की कशिश आप बच्चों को होती है, वैसे ही आप पवित्र आत्माओं की कशिश अन्य आत्माओं को होगी। मैं आत्मा भ्रुकुटी में चमकती ज्योति इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मेरा ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी एकदम हल्की हूं, लाइट हूं। पल भर में मैं मां इस शरीर से अलग हो जाती हूं। अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी, thank you.
सभी आत्माओं को यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यास बीमारी की असहनीय पीड़ा से मुक्त होने में मददगार है। इस विनाशी शरीर का शांतिपूर्ण त्याग करने के लिए योग द्वारा अपने विकर्मों का विनाश करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी अशरीरीपन का नियमित अभ्यास किया और संपूर्णता को प्राप्त किया। मैं अशरीरीपन के अभ्यास से स्वयं को शिव बाबा से कनेक्टेड एकदम समीप अनुभव करती हूँ। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में अब मैं आत्मा इस फरिश्ते चोले के साथ उड़ चलती हूं सूक्ष्म बदन में। प्यारे मीठे बाप दादा की प्यार भरी स्नेहमयी ममतामयी दृष्टि को स्वयं के भीतर समाते समाते उनके जैसा बनते जा रही हूं। बाप से प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण उनके जैसा ही मैं बनते जा रही हूं। प्यारे मीठे बाप दादा को अपने दिल के श्रद्धा सुमन अर्पित करते अपने हाथों से भोग की गिट्टी तैयार करते बाप दादा को स्वीकार कराती हूं। हम बाबा को खिलाते हैं। अब प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा बच्चों को स्वयं भगवान मेरे हाथों से भोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या कहने मेरे भाग्य के। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं मैं।
बाप दादा को भोग स्वीकार कराकर, उन्हें जल अर्पण कराकर, अब अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़ मैं अनादि ज्योति बिंदु आत्मा उड़ चलती हूं सक्षवदन से ऊपर, आत्मा के ओरिजिनल घर जहां सर्वत्र मीठी शांति ही शांति है, परम धाम शांति धाम में। शुभ आपके बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती हूं। टच कर लेती हूं बिंदी शुभ आपको, मैं आत्मा बिंदी। अपने निज बीज स्वरूप में स्थित होकर कल्प वृक्ष के बीज शिव बाबा की याद में समा जाना, यही बीज रूप अवस्था है। एक बाप दूजा न कोई, कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग अभ्यास द्वारा मैं आत्मा अपने पूर्व विकर्मों को योग अग्नि में जलकर भस्म होता अनुभव करती हूं। डीप साइलेंस ज्वालामुखी योग। Thank you.
स्वयं को बिल्कुल हल्का, लाइट और रिलैक्स अनुभव करते, आत्मा परमधाम से नीचे आ जाती हूं सूक्ष्म बदन में। बाप दादा की ये प्यार भरी दृष्टि मेरे मन को मन मना भाव की स्मृति में समाये रखने में मददगार बन चुकी है। मेरा मन बस परमात्मा बाप में ही लगा है। उसको देखूं, उसी के साथ खाऊं, उसी के साथ पीऊं और उसी के जैसा ही बन जाऊं। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए मैं फरिश्ता आ जाती हूं स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में। हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
ओ शांति।